ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन एक पहल है परम आनंद आयुर्वेदा की, जिसके माध्यम से हम आपको गंभीर घातक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान आप तक पहुंचा पाते हैं। हमारा प्रयोजन आयुर्वेद को अपनाना सरल और आसान बनाना है, जिसके अंतर्गत ही ये पहल है ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। हम यहाँ पर वही उपचार और वही समाधान बताते हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हैं और जिसे हमारे अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा खरा पाया गया है। तो चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में। मिश्री एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब ने जरूर सुना होगा और अब तक के अपने जीवन काल में इसका सेवन भी जरूर किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि स्वाद में स्वादिष्ट होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होती है। मिश्री का आयुर्वेदिक नाम सीतोपला है, जो कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायक है। अगर मिश्री का सेवन हम संतुलित मात्रा में करते हैं तो यह हमें कई प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी गुप्ता आप सबका परमानंद आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिश्री द्वारा निर्मित सीतोपलादि चूर्ण के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस दवा को या अन्य किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा को मंगाने की सोच रहे हैं तो आप इसे हमारे यहाँ यानी कि परम आनंद आयुर्वेद से मंगा सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा उचित दाम व उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीतोपलादि चूर्ण के प्रमुख घटकों के बारे में। इसमें 16 भाग मिश्री, 8 भाग वंशलोचन, 4 भाग पिपली, 2 भाग इलायची के दाने और 1 भाग दालचीनी होता है। यह एक शास्त्रीय योग दवा है जो कि कई प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सीतोपलादि चूर्ण के फायदों के बारे में। इस चूर्ण के सेवन से कफ और पेट संबंधी रोगों को दूर किया जाता है। इसके अलावा यह अस्थमा, सांस की तकलीफ, गीली सूखी खांसी, कोल्ड और कफ जैसे रोगों को दूर करने में भी सहायक है। इसके अलावा इसका उपयोग भूख न लगना, जीभ की शून्यता व पसली का दर्द ठीक करने में भी किया जाता है। इसके अलावा सीतोपलादि चूर्ण कफ और पित्त रोगों को शांत करने में भी सहायक है। बढ़े हुए कफ के कारण होने वाले बुखार को दूर करने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसका उपयोग कफ को दूर करने में भी होता है व कफ के कारण होने वाली कमजोरी, थकान व आलस में भी इससे फायदा मिलता है। यह बच्चों के सूखा रोग, टीबी और बार बार आने वाला बुखार जैसे कि टाइफाइड और मलेरिया को दूर करने में भी दिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आम, सर्दी, खांसी, बुखार और साइनस जैसे रोगों को दूर करने में भी किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेवन के बारे में। इसे 2 ग्राम दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम शहद के साथ लेना चाहिए। वैसे तो अब तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, पर अगर आप इसका सेवन खाली पेट करते हैं तो यह आपके जठर शोथ को बढ़ा सकता है। इस दवा में मिश्री अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और इस चूर्ण का सेवन लगातार कई समय तक नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने के बाद 1 महीने का अंतराल ले लेना चाहिए। इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप इसके सेवन से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। आप चाहें तो हमारे यानी कि परम आनंद आयुर्वेद के डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको इसकी सुविधा भी देते हैं। इसके लिए बस आपको हमारी साइट के कंसल्ट आवर डॉक्टर फॉर फ्री पेज पर जाना है और अपनी समस्या डॉक्टर को बतानी है। अब बात आती है आप इसे कहाँ से लेंगे। आप इसे हमारे यहाँ यानी कि परम आनंद आयुर्वेद से मंगा सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा उचित दाम व उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार की दवा को ऑनलाइन मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.paramanandayurveda.com और अपना ऑर्डर बुक करें। ऑफलाइन मंगाने के लिए आप हमें 9990004674 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी साइट के फ्रंट पेज के VIP ऑर्डर फॉर्म द्वारा हमसे किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा मंगा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी प्रकार की, चाहे वह हमारी साइट में उपस्थित हो या ना हो, हम आपकी ऑर्डर की हुई सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा
आप तक 3 से 4 दिन में पहुंचा देंगे। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि आपको अपनी दवा के लिए अपनी दवा के मूल्य के अलावा एक भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। जी हाँ, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, और ऐसा करने वाले हम एकमात्र कंपनी है। इतना नहीं, हम आपको हर दवा के MRP के साथ 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी देते हैं। तो अब इंतजार किस बात का है, समय आ गया है कि एक बार फिर से आयुर्वेद को अपनाकर हम रोग रहित जीवन जिए। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको भविष्य में आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवा से संबंधित और जानकारी दे पाऊँ। फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक दवा और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ़ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परम आनंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।